गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये देखिए, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रेल है ये 13 मीटर का रेल है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो लेंथ 13 मीटर होता है वो रेल है, स्टैंडर्ड 13 मीटर होता है, लेकिन कभी कभार ये 12 समथिंग मीटर भी रहता है, ठीक है। तो ये देखिए, आपका हाइड्रा खड़ा हुआ है और ये रेल है और ये ट्रेलर है, ठीक है। तो रेल को उठा के ट्रेलर पर रखना या ट्रेलर से उठा के कहीं और स्टैक करना, तो जो रेल हम उठाते हैं उसका प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। मतलब ऐसे कहीं भी नहीं हम हुक लगा के और रेल को दो जगह हुक लगा के उठा लिया, ठीक है। एंड से कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो है टनल में ही, मेन टनल में रेल वेल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक है। जो हमारे रेल होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो रेल आया हुआ है वो 13 मीटर स्टैंडर्ड उसका लेंथ है, ठीक है। तो उसको वेल्ड करके लंबा बनाया जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर लंबा रेल पैनल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वेल्डिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसे वेल्ड करके और रोलिंग सिस्टम लगा होता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इसको रोल करते हैं। यहाँ पे देखिए, वेल्डिंग के बाद जो है जो ज्वाइंट होता है उसको प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। वेल्डिंग कर दिया गया है, इसको चारों तरफ से इसको प्रॉपर ग्राइंड करेंगे। वेल्डिंग करते समय क्या करते हैं, देखिए ये दो रेल है, ठीक है, दोनों को लाके प्रॉपर एकदम अलाइनमेंट में फिक्स कर दिया गया है। अब ये मशीन आ रही है, ठीक है, हाँ, अभी इस पर सेट कर दी जाएगी। ये देखिए, ये प्रॉपर इसको सेट कर दिया गया है ज्वाइंट पे, ठीक है। ये ठीक है, और जो दोनों रेल होता है उसको जब हम रखते हैं तो उसको प्रॉपर उसके जिस लोकेशन पे हमें वेल्डिंग करना होता है उसको प्रॉपर ग्राइंड कर देते हैं, ताकि उस पर कुछ टाइप का जो जंग वगैरह लगा होता है, कोरोजन वगैरह, वो साफ हो जाए और बॉन्डिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है। अभी ये देखिए, मशीन सेटअप किया जा रहा है वेल्डिंग के लिए, ठीक है। अभी ये मशीन सेट हो गया है, ठीक है, हाँ, देखिए अभी ये वेल्डिंग आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वेल्डिंग जैसे आपका स्टार्ट हो गया है ये, और वेल्डिंग होने के बाद इसको रोलिंग सिस्टम लगा हुआ स्लाइड कर दिया जाएगा। तो पहले मैंने दिखाया कि अभी ज्वाइंट उस बंदे के पास जाएगा जहां पे वो ग्राइंडिंग कर रहा था, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये मेन टनल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पीछे हमने आपको दिखाया कि रेल वेल्डिंग हो रही थी, ठीक है, और रेल वेल्डिंग करके उसको 13 मीटर की रेल को जो है लंबा कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर का एक पैनल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लंबा करके रख दिया गया है, और ये आप देखिए, ये केबल ट्रेंच है, ठीक है, और ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ये जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। ये दोनों तरफ लगा हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा जहाँ पर मैं टार्च दिखा रहा हूँ, यहाँ पे केबल कंड्यूट्स गए हुए हैं, दोनों साइड में गए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे केबल कंड्यूट्स के जो है फिट बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, मैन होल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आप देखिए, ये मैन होल है, ठीक है। सेंट्रल ड्रेन का जो पानी आता है, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ टनल से जो है साइड से, यहाँ से साइड से जो है, ये देखिए क्रॉस कंड्यूट पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो इसमें तो क्रॉस इस चुकी ब्लॉक में पानी नहीं है, क्रॉस कंड्यूट में पानी नहीं आ रहा जहाँ पे हम टार्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ ब्लॉकों में पानी है, तो वो क्रॉस ड्रेन पड़ा हुआ है साइड से। एक्चुअली इसमें क्या है कि इसमें साइड से नीचे जो है ना क्रॉस ड्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर कीकर पोर्शन में, ठीक है, कीकर पोर्शन में। जो कीकर क्या होता है हम बताएंगे जब आपको जो पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, दिखाएंगे उसमें। तो ये कीकर यहाँ पे पड़ा हुआ है, कीकर में परफोरेटेड पाइप पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है। तो वो परपोरेट पाइप जो है कनेक्ट होता है, और यहाँ क्रॉस ड्रेन इसमें हर मैन होल में निकाल दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इस ब्लॉक में पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं दिख रहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे पानी दिखेगा, ठीक है। अभी आपको आगे हम जो कंड्यूट पिट दिखाते हैं, ये वो देखिए, जो टार्च मार रहे हैं ना, ये कंड्यूट पिट है, ठीक है। इसी कंड्यूट पिट में से केबल जो है ऊपर जाएंगे, ठीक है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, कुछ हमारे कंड्यूट जो है वहाँ पे केबल ऊपर आने कुछ में नहीं आने से, यहाँ पे देखिए
ये जो कंड्यूट हम दोनों तरफ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए ऊपर 65 mm का जो पाइप होता है वो नहीं निकला हुआ है। वो इसलिए नहीं निकला हुआ चूँकि इसमें ये क्रॉसिंग नहीं आना है, ठीक है। कुछ फीट ऐसे हैं जिसमें क्रॉसिंग आना है और मैं आपको अभी आगे यहाँ पे देखिए ये जो कंड्यूट का पिट है, कंड्यूट पिट है ये देखिए, इसमें ये इस टाइप के कंड्यूट आए हुए हैं, ठीक है। टॉर्च का लाइट बहुत ज़्यादा इसलिए शाइनिंग थोड़ा सा हो रहा है, आपको हम थोड़ा पास से दिखाते हैं। ये देखिए ये कंड्यूट है, ठीक है, और ये 65 mm का पाइप इसमें से ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। तो इसी कंड्यूट में से केबल ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो भी कनेक्शन होगा लाइट वगैरह के लिए होगा, ठीक है। आपको ये दोनों साइड में मिलेगा, ठीक है, ये दूसरा साइड है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर आपको जो सामने दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा, ये थोड़ा धुंध है तो उतना क्लियर नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये पोर्शन अंदर होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं TRN, ठीक है, इसको हम TRN बोल रहे हैं, ट्रॉली रिफ्यूज नीच बोलते हैं, ठीक है। इसका मल्टीपल पर्पज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो इंस्पेक्शन ट्रॉली होती है, ठीक है, पहले टाइम में उसको दो आदमी लगते थे, उसको धक्का मार के चलाते थे, आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गया है। अगर वो इंस्पेक्शन ट्रॉली इस पर चल रही हो, बाई चांस ट्रेन आ गई, तो उसको कहाँ उतारेंगे हम, ठीक है। तो ये उसी के लिए बना हुआ है, इसमें हम ट्रॉली उतार देंगे, ठीक है। और ये जो आपके दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे यही बूटेड ब्लॉक है, ठीक है। हम थोड़ा पास में आके आपको दिखाते हैं, ये आपके बूटेड ब्लॉक हैं, ठीक है। ये इसको बूटेड ब्लॉक क्यों बोला गया, ठीक है। ये देखिए जो ब्लैक कलर का यहाँ दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का एक इस पर कवर जो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि हम बूट पहनते हैं, ठीक है, तो हम लोग बूट पहनते हैं, तो इसको एक तरह से बूट पहना दिया गया, ठीक है। ये ब्लैक जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसलिए इसको बूटेड ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस हो, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर अभी पीछे हमने आपको TRN दिखाया था, उससे आपको ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। इसका जो अंदर डेप्थ है, यहाँ से जो अंदर डेप्थ है ये कम है, लेकिन हाइट इसकी ज़्यादा है, जिसको हम CN बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कंबाइन नीच इसको बोला जाता है, ठीक है, CN शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि ये कंबाइन नीच इसलिए बोला गया कि मल्टीपल पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसमें ट्रॉली भी ज़रूरत पड़ने पे साइड किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी इसमें सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए ये जो मशीन है आपको दिख रही है, और यहाँ पे आपको देखिए केबल दिख रहा है लंबा सा, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है वायर है, रस्सी है, एक तरह से लोहे की रस्सी है ये, ठीक है। ये यूज किस लिए किया जाता है, अभी जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि केबल्स पड़े हुए हैं, देखिए कंड्यूट पिट में फाइबर केबल पड़ी, ये केबल को डालने के लिए, डाल के इसको खींचने के लिए, इतना हैवी केबल तो बंदों से खिंचाएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इसको सेटअप कर दिया जाता है, इस टाइप के सेटअप सामने, ठीक है, ये पिट के सामने ही ऐसे सेटअप कर दिया जाता है। आपको ये देखिए ये पिट है ना, ये ऐसे पिट के सामने सेट कर दिया जाता है इसको, और इसमें रस्सी बांध के जो है इसको धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाता है, धीरे धीरे रस्सी को जो अपने आप खींचता रहता है और केबल अपना इंसर्ट होता रहता है, ठीक है। एक तरफ से ये लोग रस्सी डाल देंगे, मान लीजिए एक पिट ये है, अगला पिट कोई और आगे होगा, ठीक है, तो वहाँ पहले रस्सी को अंदर तक डाल के उधर निकाल देंगे, फिर वहाँ केबल के एक फेस पे बांध के और उसके धीरे धीरे रस्सी को खींचेंगे और केबल धीरे धीरे अपने आप अंदर आता रहेगा, ठीक है। ये बड़ा ईजी हो जाता है इन लोगों के लिए। ये देखिए ये जो कंड्यूट पिट है हमारा, ठीक है, कंड्यूट पिट में से नीचे से देखिए एक तरह से एक स्ट्रिप आया हुआ है, ठीक है, इसको हम अर्थिंग स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली पूरा अलोंग द टनल जो है इधर पूरा ऐसे ही कंड्यूट के नीचे से पड़ा हुआ है और सारे पिटों पे ऐसे इसको निकाल दिया गया है, ठीक है। कुछ जगहों पिट पे यहाँ पे 60 mm का पाइप भी है, वो ड्राइंग के हिसाब से किया गया है, ठीक है। ये अर्थिंग स्ट्रिप है। ये देखिए पीछे आपको मशीन दिखा रहा था ना, वो इस टाइप के यहाँ पे इसके फेस पे रस्सी पहले बांध देंगे, रस्सी में फिर केबल डाल देंगे अंदर तक पूरे पाइप में, और उसके बाद जो वहाँ पे रस्सी था उनका मशीन के साथ जो रस्सी थी इस लोहे वाली, उसको इसमें बांध देंगे, उसके बाद अपना ये धीरे धीरे उसको एक स्लो स्पीड से उसमें घूमता रहता है और वो खींचते ओवर हैंग है। और ये देखिए पूरा सेटअप लगा के इसको जो गेज हमारा मेंटेन कर दिया गया है, ठीक है, गेज क्या होता है, जो हमारे दोनों रेल के बीच की स्पेसिंग है ना, उसको मेंटेन कर दिया गया है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गेज डिस्टर्बमेंट हुआ तो रेल तुरंत डीरेलमेंट हो जाएगी, ठीक है, मतलब रेल पटरी से उतर जाएगी, ठीक है। ये आप देखिए पूरा सेटअप हो गया है, इस बीच में सरिया पड़ना है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ अगर सरिया पड़ा होगा तो, सरिया इसमें डालने के बाद फिर इस पर कंक्रीट हो जाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग TCL बोलते हैं।
ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे सरिया लग चुका है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा शटर लग चुका है। अब ये कंक्रीट करने के लिए, पोर करने के लिए रेडी है, ठीक है। और ये स्लीपर वगैरह स्पेस वगैरह मेंटेन कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, अब मैं आगे चल के थोड़ा सरिया को और पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लाइट अच्छी है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये जो सिस्टम है, देखिए, ये पूरा गेज को मेंटेन किया हुआ है दोनों के बीच में, और एक रॉड टाई रॉड टाइप का लगा दिया है। उधर आगे जाके टनल में देखिए, इसको नट बोल्ट से फिक्स कर दिया गया है, ताकि इसके लेटरल मूवमेंट ना हो ड्यूरिंग कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट के टाइम अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल सरिया है, ये आपका लेटरल सरिया लग गया, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ना, ये आपको थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है, रिंग टाइप का, ठीक है। ये जो आपका डीरेलमेंट गार्ड वाली बीम है ना, उसके लिए सरिया है, ये दोनों साइड में है, ठीक है। आगे मैं आपको डीरेलमेंट गार्ड जो कास्ट हो चुका है उसको दिखा दूंगा अभी, है ना। देखिए, थोड़ा पास से मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये जो सेटअप है ना, ये आपको दिख रहा है, ये जो होता है, इसके जो हमारी रेल होती है अंदर की तरफ थोड़ी सी इंक्लाइन होती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊँगा पूरा डॉक्यूमेंट से, अभी साइड पर दिखा रहा हूँ। इंक्लाइन होती है, उसको जो इंक्लाइन सेट करने के बाद इसको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। इसमें ये आप देखिए, ये जो बोल्ट है, ये पोर्शन जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फिट सेटअप के लिए है, ठीक है। और ये बोल्ट आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये वर्टिकल सेटअप के लिए है, ठीक है। और इसको कभी हम आपको और डिटेल में दिखाएंगे, अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी आगे आ चुका हूँ, अब ये यहाँ तक कंक्रीट कास्ट हो चुका है ऑलरेडी। देखिए, ये पोर्शन है आपका, यहाँ पे देखिए कंक्रीट ऑलरेडी कास्ट हो चुका है। ये देखिए, थोड़ी साइनिंग ज़्यादा है, तो ये देखिए, ये कास्ट हो चुका है। ये अभी डीरेलमेंट गार्ड की जो बीम है ना, वो अभी कास्ट नहीं हुई है। ये देखिए, स्लीपर कास्ट हो गया, ये डीरेलमेंट बीम अभी कास्ट नहीं हुई है। आगे मैं आपको डीरेलमेंट बीम कास्ट होने के बाद कैसा दिखता है वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये डीरेलमेंट गार्ड बीम जो है, ये आप देखिए, यहाँ पर शटल लग चुका है, ठीक है, कास्टिंग के लिए रेडी है, ठीक है। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ जहाँ पे कास्ट हो चुका है, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा आपको। देखिए, आपको ये जो डीरेलमेंट गार्ड बीम है, इसमें मैं आपको एक बारीकी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या बनाया गया है, ये देखिए, ये क्या बनाया गया है, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये इस टाइप से साइड से, ये एक्चुअली एक यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इस बीम को, ठीक है। एक छोटा सा गैप छोड़ दिया गया है, ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना आपका, फैलता है और सिकुड़ता है गर्मी ठंडे के हिसाब से, वो चीज़ आपको होता है, तो उससे क्या होता है, बीम में क्रैक आता है, तो इसलिए कुछ कुछ डिस्टेंस पे इस तरह से हमको ड्राइंग के हिसाब से जो है हम इसमें डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ताकि हमारा क्रैक वगैरह से हम बच जाएँ, ठीक है। ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ जानना, ठीक है। और अभी इधर आवाज़ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, चूँकि मशीनरी चल रही है उधर स्केप टनल में, ठीक है। आगे मैं लेकिन आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे बीम कास्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे अभी आपका सेटरिंग वगैरह रेडी है, ठीक है, सरिया और एकदम सब सेटअप हो गया। ये पोर्शन आपका देखिए, ये पोर्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब कंक्रीट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। डीरेलमेंट गार्ड भी कम्प्लीट है, और ये देखिए गनी बैग लगाया हुआ है बाकायदे, अच्छा खासा क्यूरिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वो जो पीछे हम आपको शटर दिखा रहे थे, जहाँ पे शटर लगा हुआ था, देखिए इस टाइप का गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ये ताकि ये जो बीम है ज़्यादा लंबा ना रहे, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्रिएट किया जा सके, ठीक है, ताकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बहुत इजी हो पाए और हमारे बीम में कोई दिक्कत ना आए, कोई क्रैकिंग व्रैकिंग डेवलप ना हो, ठीक है। ये चीज़ें करना पड़ता है, जैसे आपका रिटेनिंग वाल हो गया है लंबा, वहीं पर आप लंबा वाल बना रहे हैं तो उस समय भी ये चीज़ क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, आपको ये एक लेबल है, थोड़ा सा मैं टार्च का लाइट धीमा करता हूँ, साइनिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फिर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, हम ट्राई करते हैं। देखिए, ये जो रेल है, ठीक है, ये जो रेल है, ये जो रेल है ना, ये रेल का टॉप, और ये बगल में एक आपका जो कंड्यूट वाला स्ट्रक्चर दिखा, इसके अंदर कंड्यूट पड़ा है, इसका टॉप, ये जो होता है ना, ये बहुत ध्यान देना है, ठीक है। रेल लेवल इसके टॉप से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। एक पर डॉक्यूमेंट वो SOD जो होता है, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन जो होता है,
वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, किसी भी हालत में इसका पार्ट जो है रेल लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा ट्रेन चलेगा तो थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का लेटरल मूवमेंट हुआ तो तुरंत आगे इस पार्ट में टकरा जाएगा। ठीक है, इसको फॉलो करने के लिए ये चीज़ डाउन होना चाहिए। टनल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ ध्यान देना। ओपन में ट्रैक में क्या होता है इतना ये सब चीज़ नहीं प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पे बहुत केयर करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये मैं आपको साइड का कुछ व्यू दिखाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, अब फिर हम आएंगे किसी नए वीडियो में, हम मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।